तो चलिए हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज क्रेडिट एंड डेबिट नोट। देखिए इशुएंस ऑफ क्रेडिट नोट, क्रेडिट नोट कब इशू किया जाता है, ठीक है। वेर अ टैक्स इनवॉइस हैज़ बिन इशूड फॉर सप्लाई ऑफ एनी गुड्स और सर्विसेज और बोथ, जहाँ पे आपने टैक्स इनवॉइस इशू किया है, ठीक है, किस चीज़ के लिए टैक्स इनवॉइस इशू किया, ठीक है, जहाँ पे आपने टैक्स इनवॉइस इशू किया वहाँ पे क्या हुआ, टैक्सेबल वैल्यू इन इनवॉइस इज मोर देन टैक्सेबल वैल्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ सच सप्लाई। मतलब समझ लीजिए आपने जो गुड्स दिखाए, समझ लीजिए 1000 रुपये के आपने गुड्स दिखाए, वो उनकी टैक्सेबल वैल्यू आपने बताई, लेकिन उसकी टैक्सेबल वैल्यू इन रियलिटी कितनी थी, 900 थी। तो इसको अगर कस्टमर ने जान लिया कि हाँ ये 900 का गुड्स बाहर मार्केट में बिक रहा है और आप ऐसा बेच रहे हैं, तो वो नहीं लेगा आपके गुड्स, तो आपको उसको कम रेट में बेचना पड़ेगा, है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी जगह उसको क्रेडिट नोट इशू करना पड़ेगा वैल्यू को कम करने के लिए। तो टैक्सेबल वैल्यू इन इनवॉइस इज मोर देन टैक्सेबल वैल्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ सच सप्लाई। सप्लाई 900 की ही थी लेकिन इनवॉइस में आपने कितना दिखा दिया, 1000 रुपये। तो ऐसे में आपको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट नोट इशू करना पड़ेगा। नेक्स्ट टैक्स चार्ज इन इनवॉइस, इनवॉइस में या तो टैक्स चार्ज जो किया आपने वो ज़्यादा चार्ज कर दिया एज कम्पेयर टू द वैल्यू ऑफ सप्लाई, जितना टैक्स आपके सप्लाई में चार्ज होना था उससे ज़्यादा चार्ज कर लिया। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए सप्लायर है ए, उसने गुड्स दिए बी को, ठीक है, गुड्स जो थी उनकी वैल्यू थी 900, पर उसको ए ने ये 900 में गुड्स बी ने खरीदे थे, लेकिन जब इनवॉइस इशू किया ए ने तो उस इनवॉइस में उसने कितना लिख दिया, 1000 रुपीज़। अब ये उसने 1000 रुपीज़ लिखा, मतलब क्या कर दिया, टैक्सेबल वैल्यू इनवॉइस में ज़्यादा कर दी एज कम्पेयर टू द वैल्यू ऑफ गुड्स That has been supplied, ठीक है। तो यही अपन को टैक्स में भी होगा। अब 1000 रुपये के गुड्स है तो उसके ऊपर टैक्स अलग लगेगा, समझ लेते 100 रुपीज़ टैक्स लग रहा है, ठीक है, तो 1000 कर दिया तो 100 रुपीज़ टैक्स लगाया होगा, 900 तो 90 टैक्स लगाया होगा, है ना। तो इसीलिए उसके कारण क्या होगा, टैक्स भी आपने ज़्यादा कलेक्ट किया होगा, ठीक है। तो उसी के लिए ये बोल रहा है कि टैक्सेबल चार्ज इन इनवॉइस इज मोर देन टैक्स पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ सच सप्लाई, उस सप्लाई में जितना टैक्स पे करना था उससे ज़्यादा आपने इनवॉइस में दिखा दिया, ठीक है। और वेर द गुड्स सप्लाइड आर रिटर्न बाय रिसीपेंट, अब रिसीपेंट ने गुड्स रिटर्न किए हैं तो उस टाइम भी आप क्या इशू करते हैं, क्रेडिट नोट। जब गुड्स खरीदे तो आप क्या इशू करते हैं, टैक्स इनवॉइस, और जब बेच मीन्स वापस रिटर्न कर रहा है, गुड्स अच्छे नहीं है, सही नहीं है, उसके हिसाब से नहीं है, तो वो रिटर्न कर रहा है तो उस समय आप क्या इशू करेंगे, सप्लायर इशू करेगा क्या इशू करेगा, क्रेडिट नोट, ठीक है। नेक्स्ट वेयर गुड्स और सर्विसेज और बोथ सप्लाइड आर फाउंड टू बी डिफिशियंट, मतलब गुड्स जो उसने खरीदे वो खराब निकले, अब खराब निकले तो आप गुड्स को रख थोड़े ना लेंगे, आप उसको ज़रूर वापस करेंगे, तो वापस करेंगे तो उस टाइम आपको सप्लायर क्या इशू करेगा, क्रेडिट नोट। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि क्रेडिट नोट और डेबिट नोट दोनों सप्लायर ही इशू करता है, रिसीपेंट कुछ भी इशू नहीं करता है, ठीक है। जब आपने टैक्स इनवॉइस, सप्लायर ने टैक्स इनवॉइस इशू किया, उसमें क्या हुआ, टैक्स इनवॉइस में टैक्सेबल वैल्यू ज़्यादा शो कर दी एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ रियल वैल्यू ऑफ सप्लाई, ठीक है, तब आप क्या इशू करेंगे, क्रेडिट नोट। टैक्स चार्ज ज़्यादा शो कर दिया इनवॉइस में एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ रियल वैल्यू ऑफ टैक्स चार्ज, तो उसमें आप क्या इशू करेंगे, क्रेडिट नोट। आपने रिटर्न कर दिए गुड्स तो क्रेडिट नोट आपको इशू करना है, और डिफिशियंट हो गए गुड्स तो भी सप्लायर आपको क्रेडिट नोट इशू करेगा, ठीक है। नेक्स्ट रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ में इशू क्रेडिट नोट टू रिसीपियंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, ठीक है, हमने ये देख लिया। नेक्स्ट है इशुएंस ऑफ डेबिट नोट, वेर अ टैक्स इनवॉइस हैज़ बीन इशूड फॉर सप्लाई ऑफ एनी गुड्स और सर्विसेज और बोथ, इसके लिए भी आपने टैक्स इनवॉइस इशू किया होगा, ठीक है। तो जब टैक्स इनवॉइस इशू किया उसमें क्या हुआ, इसका जस्ट उल्टा, क्रेडिट नोट में क्या हुआ था, टैक्सेबल वैल्यू इन इनवॉइस ज़्यादा हो गई थी एज कम्पेयर टू दैट ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, है ना, तो इसमें क्या हुआ, जस्ट उसका उल्टा, टैक्सेबल वैल्यू इन इनवॉइस इज लेस देन टैक्सेबल वैल्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ सच सप्लाई। समझ लीजिए आपने गुड्स 1000 के बेचे थे लेकिन गलती से वो 900 लिखा गया किसमें, इनवॉइस में, तो इसके कारण क्या होगा, आपने कम टैक्स चार्ज किया होगा, कम वैल्यू चार्ज की होगी, तो उसको वापस चार्ज करने के लिए आप क्या इशू करते हैं, डेबिट नोट, ठीक है, या फिर टैक्स चार्ज जो है वो कम चार्ज कर दिया एज कम्पेयर टू वैल्यू ऑफ सप्लाई, तो आप क्या इशू करेंगे, डेबिट नोट, ठीक है। अब देखिए ये तो हमने देख लिया, देखिए अब जो है क्रेडिट नोट और डेबिट नोट आपने इशू तो कर दिया, अब इशू करने के बाद उसको आपको शो करना पड़ता है अपने रिटर्न में,
ठीक है, क्रेडिट नोट डेबिट नोट दोनों को शो करना पड़ता है आपको, किस में, रिटर्न में, ठीक है। तो रिटर्न में आपको शो कर देना जिस मंथ आप वो क्रेडिट नोट या डेबिट नोट इशू कर रहे हैं, लेकिन अगर उस टाइम नहीं हो पाया तो नॉट लेटर देन 2 डेज दिए हुए हैं आपको, पहला तो सितंबर, सितंबर में कर दो फॉलोइंग द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, या तो सितंबर में कर दो या फिर जब आप रिटर्न फाइल कर रहे हो उस टाइम कर दो, द डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न, दोनों में से जो अर्लियर होगा उस टाइम आप रिटर्न में इसको शो कर देना, किसको, मतलब आपको जो भी है ये पॉइंट आपको ये बोलना चाहता है कि आपको रिटर्न में शो करना है आपने क्रेडिट नोट और डेबिट नोट जो भी इशू किया है उसको, ठीक है। अब देखिए ये तो हमने पढ़ लिया जो मेन आपको एक्ट में लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसमें कुछ नए अमेंडमेंट्स आए हैं एज दैट ऑफ अमेंडमेंट एक्ट 2018 के हिसाब से, ठीक है। अमेंडमेंट एक्ट 2018 के हिसाब से जो अमेंडमेंट्स आए हैं उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहला अमेंडमेंट क्या है, जो आपने ये पढ़ा पॉइंट, क्या पॉइंट पढ़ा, टैक्स इनवॉइस हैज बीन इशूड फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। देखिए एक टैक्स इनवॉइस के लिए एक क्रेडिट नोट इशू करना है इस पॉइंट्स के हिसाब से, और एक टैक्स इनवॉइस के लिए एक डेबिट नोट इशू करना है, ठीक है। लेकिन जब ऐसा होता है कि समझ लीजिए एक रिसीपेंट है, एक कस्टमर है जिसको सप्लायर ने कितने गुड्स बेचे, मतलब कितनी इनवॉइस दी, 10 से 15 इनवॉइस दी, क्योंकि उसने बहुत सारे गुड्स खरीदे थे, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, किसी कारण से उसने सारे के सारे 10-15 इनवॉइस के सारे गुड्स उसने वापस कर दिए, ठीक है। तो ऐसे केसेस में अगर वो डेबिट नोट क्रेडिट नोट इशू कर रहा है, क्रेडिट नोट उसको 15 अलग अलग इनवॉइस के लिए हर के लिए क्रेडिट नोट इशू करना पड़ता, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अमेंडमेंट में क्या किया गया, आप एक इनवॉइस के लिए या फिर एक से ज़्यादा मल्टीपल ऑफ इनवॉइस के लिए एक क्रेडिट नोट इशू कर सकते हैं, या फिर एक इनवॉइस के लिए मल्टीपल क्रेडिट नोट्स इशू कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये दोनों के लिए, क्रेडिट नोट और डेबिट नोट दोनों के लिए, सेक्शन 34 सबसेक्शन 1 एंड 34 सबसेक्शन 3, जो कि आपको बोलता है एक इनवॉइस के लिए एक एक डेबिट नोट या फिर एक इनवॉइस के लिए एक क्रेडिट नोट इशू करने के लिए, वेयर वन और मोर टैक्स इनवॉइसेस हैज बीन इशूड, वन और मोर टैक्स इनवॉइसेस, पहला था ये अ टैक्स इनवॉइस हैज बीन इशूड, ठीक है। अब इसको चेंज कर दिया गया, व्हेन वन और मोर टैक्स इनवॉइसेस हैव बीन इशूड फॉर सप्लाई ऑफ एनी गुड्स और सर्विसेज और बोथ and the taxable value or tax charge in that tax invoice is found to be less than the taxable value or tax payable in respect of such supply. The registered person who has supplied such goods or services or both shall issue to the recipient one or more debit notes for supply made in a financial year containing such particulars as may be prescribed. तो ये पॉइंट क्या बोल रहा है आपको, जहाँ पे एक से ज़्यादा आपने टैक्स इनवॉइसेस इशू की है किसी भी गुड्स और सर्विसेज या बोथ के लिए, तो जहाँ पे आपने क्या किया, इनवॉइस में जितना टैक्स चार्ज किया वो कम हो गया एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ वैल्यू ऑफ टैक्स पेबल, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, एक डेबिट नोट इशू करेंगे, लेकिन एक से ज़्यादा डेबिट नोट इशू कर सकते हैं एक से ज़्यादा टैक्स इनवॉइस के लिए, ठीक है। मतलब अगर ज़्यादा 4 या 5 टैक्स इनवॉइस है एक ही पर्टिकुलर पर्सन से, तो उसके लिए आप एक ही क्रेडिट नोट में काम चला सकते हैं, ठीक है। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, हर इनवॉइस के लिए आपको अलग अलग क्रेडिट नोट्स इशू करने पड़ते थे, अलग अलग डेबिट नोट्स इशू करने पड़ते थे। उस पॉइंट को चेंज करके इन्होंने कर दिया, ये क्रेडिट नोट के लिए भी है डेबिट नोट के लिए भी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये भी लिखा है कि अ डीलर मे इशू वन क्रेडिट नोट फॉर मल्टीपल इनवॉइसेस, मतलब एक क्रेडिट नोट इशू कर सकता है वो मल्टीपल इनवॉइसेस के लिए, ठीक है। ये चेंज क्यों लाया गया, ये चेंज इसलिए लाया गया क्योंकि प्रोसीजरल मैटर बहुत सारी हार्डशिप होती थी डीलर्स को, जहाँ पे स्पेसिफिक क्रेडिट नोट उनको इशू करना पड़ता था हर एक इनवॉइस के लिए, ठीक है। अब देखिए इसमें एक और नया पॉइंट है, As per notification number 39/2018 Central Tax dated 4/9/2018, it amends rule 36(2) of the CGST rules 2017. कौन सा rule को amend कर रहा है, 36(2) CGST rules, which further clarifies that even if all specified particulars stipulated by invoice rules is not satisfied, yet the invoice contains the amount of tax charge, description of supplies,
total value of supply, GSTN of the supplier and recipient, and place of supply in case of interstate supply, then ITC can be availed by registered taxpayer. ये point अच्छे से ध्यान रखना है, ये बहुत important है. क्यों important है? देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है कि हमको सब rules के हिसाब से बता दिया कि इसमें ये वाले particulars follow करने हैं, name, date, ये सब होना चाहिए, है ना? हमको जो particulars है वो पूरे particulars के हर एक चीज पहले follow करना पड़ता था. मतलब अगर कुछ भी missing है तो आप ITC claim नहीं कर पाएंगे. आपको जो particulars में लिखा है वो सारी चीजें mention करनी पड़ेगी अगर आपको ITC claim करना है तो. लेकिन amendment लाके इसको change कर दिया गया. क्या बोला जा रहा है देखिए, which further clarifies that even if all specified particular, सारे specified particular अगर नहीं भी होते हैं, अगर satisfy नहीं होते हैं, तब भी invoice अगर invoice में आपका कितना tax charge हुआ है, description of supply, supply किस चीज की गई है, total value of supply क्या है ये बता रहा है, GST of the supplier बता रहा है, recipient का बता रहा है and place of supply बता रहा है, in case of interstate supply, तो ITC claim किया जाता है. तो क्या क्या important चीजें हैं देखिए, यहाँ से आप देखिए, amount of tax charge, description of supply, total value of supply, GST of the supplier, recipient and place of supply in case of interstate supply. ठीक है, ये आप भी लिख लीजिएगा. ऐसे सिर्फ पढ़ेंगे हम तो हमको सब चीज क्लियर नहीं होने वाली है. देखिए ये फर्स्ट पॉइंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स चीजें आपको इंपॉर्टेंट है. अगर ये होंगी तो आप आईटीसी क्लेम कर सकते हैं. क्या क्या? अमाउंट ऑफ टैक्स चार्ज, डिस्क्रिप्शन ऑफ सप्लाई, टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई, जीएसटी ऑफ द सप्लायर, रिसिपिएंट, प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ इंटरस्टेट सप्लाई. ये सब चीजें हैं तो आप आईटीसी क्लेम कर सकते हैं. ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है. अगर पहले क्या हुआ करता था, अगर कोई भी पर्टिकुलर नहीं रहता था, कुछ भी मिस्टेक होती थी, आईटीसी मना कर दिया जाता था. लेकिन अगर आपने ये छह चीजें लिखी हैं तब भी आपको आईटीसी क्लेम करने दिया जाएगा. ठीक है, अब नेक्स्ट जो अमेंडमेंट आई है, अमेंडमेंट एक्ट 2018 के हिसाब से, नोटिफिकेशन नंबर 39/2018, सेंट्रल टैक्स डेटेड 4/9/2018 विथ रिगार्ड्स टू ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स विथआउट द टैक्स इनवॉइस एज लेड डाउन इन रूल 55. देखिए आपको क्या बोल रहा है इसमें, आप क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स. हमने देखा गुड्स के लिए जब ट्रांसपोर्ट करते हैं, मीन्स गुड्स का जब भी ट्रांजेक्शन होता है तो हमको 3 इनवॉइसेज इशू करनी पड़ती है ना, 3 कॉपी ऑफ इनवॉइस निकालना पड़ता है. ओरिजिनल कॉपी रिसिपिएंट की रहती है, सेकेंड कॉपी किसकी रहती है, डुप्लीकेट कॉपी रहती है ट्रांसपोर्टर की, जो भी डिलीवरी करने वाला है गुड्स उसकी, और थर्ड कॉपी किसकी रहती है, सप्लायर की, है ना. तो यही इस पॉइंट के लिए ये बोल रहा है कि जो ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स है उसमें आप इनवॉइस नहीं देते हैं, इनवॉइस के बिना अगर भेजते हैं तो क्या होगा. ठीक है, तो द सेम प्रोसीजर ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स थ्रू डिलीवरी चलांस एज एप्लीकेबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इन सेमी लॉकडाउन और कंप्लीटली नॉकडाउन कंडीशन. देखिए सेमी नॉक्ड डाउन, सेमी नॉक्ड डाउन और कंप्लीटली नॉक्ड डाउन क्या होता है पहले हमको ये समझना पड़ेगा. सेमी नॉक्ड डाउन मतलब पार्ट्स जो होते हैं, समझ लीजिए जैसे कार है, कार के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, उन पार्ट्स को आपने क्या किया है, सेमी मतलब पार्शली आपने अलग अलग कर दिया है. ठीक है, और कंप्लीट नॉक्ड डाउन मतलब पूरा ही उसको अलग कर दिया, बाद में जहाँ ट्रांसपोर्ट करना है उसके बाद आप उसको वहाँ पे जमा जोड़ने वाले हैं. ठीक है, तो जैसे समझ लीजिए क्रेन है एक, तो क्रेन को डायरेक्टली ऐसे तो ले जाया नहीं जा सकता कहीं, है ना. तो उसमें क्या किया जाता है, उसके पूरे पार्ट्स को अलग कर दिया जाता है, फिर उसके बाद उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है 1, 2, 3 ट्रांसपोर्ट्स में. ठीक है, तो ऐसा किया जाता है ना, जब कोई भी गुड्स को सेमी नॉकडाउन और कम्प्लीटली नॉकडाउन करके भेजा जाता है तो उस टाइम में उसके लिए डिलीवरी चलांस दिए जाते हैं. मतलब जैसे 3 ट्रक्स में जाने वाले हैं गुड्स, तो हमने क्या किया, फर्स्ट वाले में तो इनवॉइस दे दी और बाकी सब में क्या दे दिया, डिलीवरी चलांस. ठीक है, डिलीवरी चलांस दे दिया.
तो ऐसे टाइम पे आप डिलीवरी चालान दे सकते हैं, इनवॉइस फर्स्ट वाले को ही दे सकते हैं, ठीक है ना। तो यही चीज ये बोल रहा है कि ऐसा होता था, लेकिन यही चीज आप किस किस के लिए भी अप्लाई होगा, शैल ऑल्सो अप्लाई टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इन बैचेस। ये पहले भी हुआ करता था आपका डिलीवरी चालान वाला, किस केस में, सेमी नॉकडाउन और कंप्लीटली नॉकडाउन में, ठीक है। लेकिन जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इन बैचेस होता है, मतलब समझ लीजिए मैं बिल्डिंग बना रही हूँ, मेरे को चाहिए ब्रिक्स, तो मैं ब्रिक्स सारे एक बार मैं नहीं मंगा सकती, तो मैं अलग अलग करके बैचेस में मंगाऊंगी, ठीक है। तो बैचेस में ये एक वाला आया तो ये इनवॉइस लेके आया, अब अगला वाला भी इनवॉइस लेके आएगा, अगला वाला भी इनवॉइस लेके आएगा, तो ऐसे नहीं हो पाता ना कि आप जो आपकी मेन इनवॉइस है उसको सबको दे पाएं, एक ही इनवॉइस रहती है वो, तो है ना। इसलिए इनको भी आप क्या कर सकते हैं, डिलीवरी चालान्स दे सकते हैं। तो उसी के लिए ये पॉइंट्स लिखे हैं, देखिए, द सप्लायर शैल इशू द कम्प्लीट इनवॉइस बिफोर डिस्पैच ऑफ फर्स्ट कंसाइनमेंट। जो फर्स्ट वाला निकलेगा उसमें आप क्या देंगे, कम्प्लीट इनवॉइस देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द सप्लायर शैल इशू अ डिलीवरी चालान। अब उसके बाद जो भी आप बैच भेजेंगे उसमें क्या इशू करेंगे, डिलीवरी चालान फॉर ईच ऑफ द सब्सिक्वेंट कंसाइनमेंट। जो उसके बाद जो भी आप कंसाइनमेंट भेजेंगे उसमें आप क्या इशू करेंगे, डिलीवरी चालान, रेफरेंस एंड गिविंग रेफरेंस ऑफ द इनवॉइस। इनवॉइस का बस रेफरेंस देना है आपको। उसके साथ ईच कंसाइनमेंट शैल बी अकम्पनीड बाई कॉपीज ऑफ द करस्पॉन्डिंग डिलीवरी चालान अलॉन्ग विद अ ड्यूली सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द इनवॉइस। इससे पहले वाला जो डिलीवरी चालान आया है ना उसका कॉपी प्लस उसके साथ आप इनवॉइस का कॉपी भी भेजेंगे अगले वाले में। जैसे ये फर्स्ट टाइम था उसमें आपको मेन इनवॉइस दे देना है, ठीक है। अब जो सेकेंड वाला गया उसमें आपको डिलीवरी चालान देना है प्लस इस इनवॉइस का कॉपी देना है। जो थर्ड वाला गया उसमें आपको इस डिलीवरी चालान का कॉपी देना है, इसका खुद का डिलीवरी चालान देना है प्लस इसका कॉपी देना है, ठीक है। ऐसे करके भी आप भेज सकते हैं, ठीक है। ओरिजिनल कॉपी ऑफ द ओरिजिनल कॉपी ऑफ द इनवॉइस, जो भी ओरिजिनल कॉपी होगी इनवॉइस की वो कब भेजी जाएगी, लास्ट कंसाइनमेंट में, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है, मॉडिफिकेशन ऑफ द प्रोसीजर फॉर इंटरसेप्शन ऑफ कन्वेनेंस फॉर इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स इन मूवमेंट एंड डिटेंशन रिलीज एंड कन्फिस्केशन ऑफ सच गुड्स एंड कन्वेनेंस एज क्लैरिफाइड इन नोटिफिकेशन नंबर 4115/2018। क्या बोल रहा है देखिए ये पॉइंट, मतलब जो भी आप प्रोसीजर करते हैं किस चीज़ का, इंटरसेप्शन ऑफ कन्वेयंस, मतलब जो भी कन्वेयंस को रोक के हिरासत में लिया जाता है, देखा जाता है, उसका इंस्पेक्शन किया जाता है गुड्स का जो भी मूवमेंट में है, उसका डिटेंशन किया जाता है, उसको जब्त कर लिया जाता है, कन्फिस्केशन मतलब जब्त कर लेना कन्वेनेंस का, ठीक है। तो उसके लिए इसमें क्या दिया है, नोटिफिकेशन दिया है। जीएसटी काउंसिल ने क्लैरिफाई किया इशू रिगार्डिंग द प्रोसीजर फॉर इंटरसेप्शन ऑफ कन्वेनेंस। जब भी आप जीएसटी का रूल लग रहा है, जीएसटी में इनवॉइस ज़रूरी है, हमने देखा ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं आप गुड्स, तो या फिर आपका डिलीवरी चालान ज़रूरी है, ठीक है, तो उसमें आपको क्या करना है, इनवॉइस रहेगा तो इनवॉइस में सारे वो रहने थे। तो जीएसटी वाला आया बीच में, आप ट्रक चला के मस्त जा रहे थे अपने धुन में, आया बीच में रोक लिया, जब्त कर लिया, नहीं आपके पास ये नहीं है, आपके पास वो नहीं है, तो उस चीज़ के लिए ये बोल रहा है कि ऐसा जब्त अगर हो रहा है तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। फॉर इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स एंड मूवमेंट एंड डिटेंशन रिलीज एंड कन्फिस्केशन ऑफ सच गुड्स एंड कन्वेयंस इट हैज़ बीन क्लैरिफाइड दैट इफ अ कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स इज अकम्पनीड विथ एन इनवॉइस। देखिए आप गुड्स कहीं भेज रहे हैं तो हमने देखा कि इनवॉइस या डिलीवरी चालान होना चाहिए, ठीक है, या फिर एनी अदर स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट जैसे कि डिलीवरी चालान, है ना, एंड ईवे बिल। ईवे बिल भी एक ट्रांसपोर्ट करने का बिल है, ठीक है। देन द प्रोसीडिंग्स में नॉट बी इनिशिएटेड इन द फॉलोइंग सिचुएशन, तब आपके ऊपर प्रोसीडिंग्स नहीं होगी। जैसे मैंने सामान भेजा तो मेरे ऊपर प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए, पहले ये सब हुआ करता था, इनके ऊपर प्रोसीडिंग्स हुआ ही करती थी, लेकिन अब नहीं होगी। कब नहीं होगी वो देखिए, अगर स्पेलिंग मिस्टेक है नाम में कंसाइनर के और कंसाइनी के, ठीक है, लेकिन जीएसटीन जो है वो करेक्ट है, दोनों का कंसाइनर कंसाइनी का जीएसटीन जो है वो करेक्ट है, ठीक है। एरर इन द एड्रेस ऑफ द कंसाइनी, कंसाइनी के एड्रेस में एरर है टू द एक्सटेंट दैट लोकेलिटी एंड अदर डिटेल्स ऑफ द कंसाइनी आर करेक्ट, मतलब लोकेलिटी पता है लेकिन ना हाउस नंबर में गड़बड़ी हो गई है, ठीक है, हाउस नंबर में उतना चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट एरर इन वन और टू डिजिट्स आपका HSN नंबर का में प्रॉब्लम, डॉक्यूमेंट नंबर में प्रॉब्लम हो गई है, वन और टू डिजिट में किसके, ई वे बिल के, ठीक है, या फिर एरर इन वन और टू डिजिट्स ऑफ व्हीकल नंबर, व्हीकल नंबर के डिजिट्स में कोई प्रॉब्लम हो गई तो वो भी आपका माफ़ कर दिया जाएगा। एरर इन फोर और सिक्स डिजिट
लेवल ऑफ HSN वेयर द फर्स्ट टू डिजिट, मतलब आपको HSN नंबर देना पड़ता है, HSN में फर्स्ट टू डिजिट आपका अगर सही है और बाकी का जितना भी आपसे मांगा गया है, मैक्सिमम 4 मांगा जा सकता है, हमने देखा है पिछली क्लास में, ठीक है। तो ये जो आपका अगर फर्स्ट टू डिजिट अगर सही है तो आपको इसमें माफ कर दिया जाएगा, इसमें आपके ऊपर प्रोसीडिंग्स नहीं होगी। एरर इन द पिन कोड में एरर है, लेकिन एड्रेस ऑफ द कंसाइनर जो है और कंसाइनी का जो है वो मेंशन करेक्ट है, लेकिन जो पिन है, पिन कोड से आपका जो वैलिडिटी है ई वे बिल का, वो इंक्रीज नहीं होना चाहिए। ई वे बिल हमको अभी नहीं है, तो आप ई वे बिल के ऊपर इतना डिटेल में नहीं जाएंगे हम। अ पेनाल्टी ऑफ 1000 चार्ज किया जाएगा। देखिए, ये सब मिस्टेक में आपके ऊपर प्रोसीडिंग्स तो नहीं होगी, लेकिन इसमें आपके ऊपर पेनाल्टी चार्ज किया जाएगा 1000 रुपीज, जो कि IGST एक्ट के अंदर चार्ज किया जाएगा, ठीक है, जो कि आपको फॉर्म GST DRC 7 में भरना पड़ेगा हर कंसाइनमेंट के लिए जो कि इनकम्प्लीट है या एरेनियस से अबाउट टर्म्स के लिए। तो 1000 रुपये भरना ज़्यादा फायदेमंद है प्रोसीडिंग्स पूरा कराने से, ठीक है, आपका सामान जब्त ना हो उसको बचा सके, इसलिए 1000 रुपये पे करना तो अभी बहुत कम कर दिया गया है, ठीक है। ऑल्सो अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल दिस कंसाइनमेंट विल हैव टू बी सेंड टू द प्रॉपर ऑफिसर। ये जो भी कंसाइनमेंट का आपका प्रॉब्लम हुआ है वो आपको किसको भेजना पड़ेगा, प्रॉपर ऑफिसर को या टू हिज कंट्रोलिंग ऑफिसर ऑन अ वीकली बेसिस में आपको इसको भेजना पड़ेगा। इसी के साथ हमारा पूरा डेबिट नोट, क्रेडिट नोट और टैक्स इनवॉइस कंप्लीट होता है। तो कंग्रेचुलेशंस, हमारा एक और चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हमने 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम जो अगला स्टार्ट करेंगे वो क्या स्टार्ट करेंगे, टाइम वैल्यू एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है। सो आज की क्लास हम यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट बेल आइकन टू गेट मोर अपडेट्स। सो दैट्स इट, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।